हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास टेंथ मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ आइडेंटिटीज गिवन है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। साथ ही साथ यहाँ जो एंगल्स गिवन है वो सभी एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं, इट मींस लेस देन 90 डिग्री हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट 1 to 6 ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट 7 और पार्ट 8। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड इससे प्रूव करके लानी है, जो कि है टैन थीटा के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस 2 sin³θ डिवाइड में 2 cos³θ माइनस cos थीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, इसमें आप डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते और ना ही यहाँ पर एलसीएम लिया जा सकता है। और देखिए, क्वेश्चन ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में है, तो इसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। बट इसको सॉल्व करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए, अगर न्यूमरेटर में से साइन थीटा को हम कॉमन ले लें तो इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 - 2 sin²θ, क्योंकि देखिए साइन थीटा कॉमन ले लिया तो इसके प्लेस पे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्यूब है, इसमें से भी एक साइन थीटा हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा स्क्वायर। सेम ऐसे ही नीचे की साइड से हम कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए इस जगह बचेगा 2 cos²θ, और कॉस थीटा यहाँ से भी कॉमन लिया है तो ये बच जाएगा 1। अब देखिए, हमें एक आइडेंटिटी पता है sin²θ + cos²θ = 1 की। तो देखिए, यहाँ जो 1 लिखा हुआ है इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं sin²θ + cos²θ, क्योंकि देखिए दोनों 1 के ही तो इक्वल हैं, तो 1 के प्लेस पे हम ये दोनों को भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इस 1 के प्लेस पे हम लिखेंगे sin²θ + cos²θ, माइनस में 2 sin²θ एज इट इज रहेगा। अब यही वाली प्रॉपर्टी हम इस वाले 1 के प्लेस पे भी यूज करेंगे, तो यहाँ भी हम रख देंगे sin²θ + cos²θ इस वाले 1 के प्लेस पर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है sin²θ और यहाँ पर है 2 sin²θ, इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा cos²θ - sin²θ, क्योंकि 1 sin²θ को हमें 2 sin²θ से माइनस करना है। तो देखिए, इन दोनों को माइनस करने पे हमारे पास ओनली 1 sin²θ बचेगा, और वो भी माइनस का बचेगा, क्योंकि ये जो 2 है इसके पास माइनस का साइन है, और हमेशा जो भी बड़ा नंबर होता है उसी का साइन ही हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, नीचे यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा -sin²θ - cos²θ। माइनस से हमने ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लिया है। अब सेम इस 2 cos²θ में से इस वाले cos²θ को हम माइनस करेंगे, तो 2 में से जब 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास ओनली 1 बचता है, इट मीन्स यहाँ पर ओनली 1 cos²θ बचेगा। माइनस का sin²θ एज इट इज़ हम नोट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे प्लस का cos²θ बचा है और ऊपर बचा था माइनस का sin²θ, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस के 2 में से 1 को माइनस किया था, इसीलिए जो बड़ा नंबर है उसी का साइन हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसलिए हमने इसको +cos²θ लिखा है। अब देखिए, यहाँ पर cos²-sin²θ इस पूरे ब्रैकेट से हम नीचे वाले cos²θ - sin²θ को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में भी है। साइन थीटा और ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट है ये आपस में मल्टीप्लाई में है। सेम नीचे कॉस थीटा और ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो जब भी चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं हम उनको इजीली कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा sin θ / cos θ, और हमें पता है sin θ / cos θ होता है tan θ के इक्वल। और देखिए, यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड में, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड। चलिए अब हम पार्ट 8 सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है sin A + cos A k का होल स्क्वायर + cos A + sec A का होल स्क्वायर।
अब सबसे पहले हम यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इन दोनों ब्रैकेट्स में यूज कर लेते हैं। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल। तो देखिए ये वाला ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉजिक स्क्वायर a प्लस 2sin a इंटू कॉजिक a। इसी तरह से सेकेंड ब्रैकेट भी हम ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2cos a sec a। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और जो ये चार स्क्वायर वाली टर्म्स दिख रही हैं आपको, इनको हम पास पास लिख लेंगे। तो देखिए ये चारों स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने पास पास लिख लिया है और ये जो बची हुई दो टर्म्स हैं इनको भी हम पास पास लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2sin a। अब देखिए cosec a को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे इनटू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटू 1 upon sin a, क्योंकि cos a के इक्वल होता है 1 upon sin a के। प्लस इस वाली टर्म को भी हम थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2cos a इंटू 1 upon cos a, क्योंकि ये जो sec a है इसको हम 1 upon cos a लिख सकते हैं। अब देखिए इस ऊपर वाले sin a से नीचे वाला sin a हम कैंसिल कर सकते हैं, सेम cos a से cos a भी कैंसिल हो सकता है। और ये जो साइन स्क्वायर ए है इसके साथ में हम लिख सकते हैं ये वाला कॉज स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। सेम कॉजिक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को भी हम पास पास लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ तो हमने टर्म्स कैंसिल की थी तो इस जगह बचेगा 2 प्लस यहाँ पर भी बचेगा 2, क्योंकि देखिए कैंसिल करने पे ये वनजा में जाएंगे और 2 और 1 की मल्टीप्लाई तो 2 ही होती है, तो इन दोनों जगह पर 2 आएगा। अब इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर के प्लेस पर हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस। अब देखिए ये जो कॉजिक स्क्वायर ए है इसके प्लेस पे भी हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कॉजिक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। सेम ये जो सेक है इसके प्लेस पे भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के। तो इस कॉजिक के प्लेस पर हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेम सेक के प्लेस पे लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और 2 और 2 ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 4। अब देखिए जो 3 1 है इन तीनों को हम ऐड कर सकते हैं तो ये हो गया 3, और कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 4 एज इट इज रहेंगे। अब इस 3 और इस 4 को भी ऐड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए एज इट इज रहेंगे। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, टैन को पहले और कॉट को बाद में लिख लेते हैं, तो ये हो गया 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ राइट हैंड साइड। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले दोनों पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।